तो दोस्तों TCS के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको TCS के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 3.2% बढ़कर 46,867 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वार्टरली बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6.8% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 9,653 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है वो भी अच्छे हैं, और रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे नंबर अच्छे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 16% बढ़कर 46,867 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अच्छा है, और खास करके कंपनी इतनी लार्ज कैप लेवल पे 15% की ग्रोथ भी अच्छी मानी जाती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 28% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 9,653 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी नंबर्स अच्छे हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अगर हम डिविडेंड की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी ने ₹7 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी कि एक शेयर पर आपको ₹7 मिलने वाले हैं। अब ये देखिए 14 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ये कंपनी है। अब अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर ये अभी हमको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिलने ही वाली है। अब अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें, तो ये 16 टाइम्स है, तो ये तो मिलने, ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है ये रहने वाले ही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर 15% की ग्रोथ अगर ये आने वाले 5 साल में दिखाएंगे, तो ये आपको ये इतना जो वैल्यूएशन है ये आपको देखने को मिलने वाला ही है। अब अगर हम देखें, तो देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर हम देखें, तो पिछले 4 साल से अगर हम देखें, तो यहाँ पे पिछले 2 साल से थोड़ी कॉन्स्टेंट हुई है। लेकिन अगर अभी देखें, तो अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खास करके 28% का हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये अगर हम देखें, तो इस ईयर कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म हमें करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए 3,935 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस पूरे सेक्टर में कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच आपका होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने IT स्टॉक की अगर हम बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड, इंफोसिस वगैरह हो गया, तो ये स्टॉक जिस तरीके से रैली हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच आपका होना चाहिए। अगर यहाँ पे 15-20% का करेक्शन अगर होता है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी जो कंपनी के रिजल्ट है काफी अच्छे हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ऑलरेडी रन अप है, तो रिजल्ट की वजह से और रन अप करेगा, तो ये थोड़ा थॉट प्रोसेस मुझे सही नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि TCS के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।